फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कोई भी स्टोरी इंस्टा में लगाते हैं तो अगर उस स्टोरी को आप अपने व्हाट्सएप में लगाना चाहते हैं, व्हाट्सएप की स्टेटस में लगाना चाहते हैं, तो जब आप शेयर करते हैं तो स्टेटस में आपकी केवल उसकी लिंक लगती है और फिर लिंक में जब कोई टच करता है तब आपकी स्टोरी दिखाई देती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसी ट्रिक कि अगर आप कोई भी स्टोरी अगर इंस्टा में आप लगाए हैं और उस स्टोरी को अगर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना चाहते हैं तो उसमें लिंक नहीं लगेगी, डायरेक्ट वो वीडियो ही आपकी स्टेटस में लग जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कोई भी स्टोरी अगर एडिट करते हैं तो व्हाट्सएप में उतने फीचर्स नहीं होते हैं जितने इंस्टा में। इंस्टा अपने से खुद म्यूजिक भी आपको प्रोवाइड करता है। तो आज मैं बता दूँ कि आप उस स्टोरी को अपने स्टेटस में कैसे लगाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को पहले लाइक जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस स्टोरी को हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस स्टोरी को देखते हैं। तो चलिए हम इंस्टाग्राम पे चलते हैं और देखते हैं कि हम कौन सी स्टोरी को अपने स्टेटस में लगाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये वाली स्टोरी को अपने उसमें लगाना चाहता हूँ। तो यार चलिए बैक आ जाते हैं। तो यार अब आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में, चाहे क्रोम ब्राउज़र हो या फायरफॉक्स ब्राउज़र हो, उसमें आपको एक साइट सर्च करना है। तो जैसे कि मैं फायरफॉक्स में सर्च किए ले रहा हूं, तो वहां पे दोस्तों आपको storysaver.net ये सर्च करना है। तो जैसे कि मैं storysaver. या इतना लिखेंगे तो आप देख लें सेकंड नंबर में storysaver आपके सामने आ चुका है। तो जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कई लिंक्स आ जाएंगे, तो आपको फर्स्ट वाले लिंक में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट वाले लिंक में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि आपके सामने अब कई ऑप्शन आएंगे, तो आपको सर्च बार दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आपको सर्च वाले ऑप्शन में, सर्च बार में आपको इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, जिस यूज़र नेम से आपका इंस्टा में आईडी बनी है, उसको सर्च करना है। तो जैसे मेरा इंस्टा का जो यूज़र नेम है, जो भी है, मैं उसको यहाँ पे इंटर किए दे रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि एक नीचे डाउनलोड का आइकन आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप अपना जो भी यूज़र नेम है इंटर करेंगे, उसके बाद आपको डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे आपकी जो स्टोरी है वो आ चुकी होगी। तो आप उसको नीचे स्लाइड कीजिए और आप देखेंगे यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट का टिक लग जाएगा और आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि मेरा जैसे यहाँ पे जो भी इंस्टा का वो है ओपन हो जाएगा और ये मेरा स्टोरी है जो मैंने अपने इंस्टा में लगा रखी है। तो आप देखेंगे कि आपके नीचे सेव एज वीडियो ये वाला ऑप्शन है, तो आपको सेव एज वीडियो वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाएगा। अब स्क्रीन में आपको 2 सेकंड अपना फिंगर रखे रहना है, जिससे कि 2 ऑप्शन आएंगे। जैसे ही आप स्क्रीन में दो ऑप्शन आएंगे तो पहले वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना, सेव फाइल टू डिवाइस। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप देख लीजिए आपका जो फाइल था वो डाउनलोड हो चुकी। तो आपको ओपन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी वीडियो में सेव हो चुकी है स्टोरी, जैसा कि मैं आपको चला के दिखाई दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, देख लीजिए आपके वीडियोज में ये स्टोरी आ चुकी है। तो अब आप इसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं किए दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरी ये स्टोरी मेरे स्टेटस में शेयर हो चुकी है व्हाट्सएप में। तो चलिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्टोरी अपने इंस्टा में लगाई थी वही स्टोरी मेरे स्टेटस में भी अब लग चुकी है। तो आप देख सकते हैं। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।